हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा होम रेमेडी जिससे आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी आपसे, बस शेयर करूंगी ये होम रेमेडी। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं खुद लगा करके आपको अपने चेहरे पर दिखाती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आती रहूंगी। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ एक छोटी सी कटोरी। आपको भी छोटी सी एक कटोरी ले लेने हैं। आप किसी कोई भी स्टील का या कांच का किसी का भी कटोरा ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच चने की बेसन। 2 चम्मच चने की बेसन, ये मैं घर का पिसा हुआ बेसन ले रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट वाला ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा घर का होता है। आप चना का दाल ले करके और ख़ुद ही इसको मिक्सर में अच्छे से पीस सकते हैं, क्योंकि बेसन थोड़ा सा दरदरा रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे हल्दी। ये हल्दी भी मेरा घर का ही है। आप अगर चाहे तो कच्चा हल्दी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कच्चा हल्दी मिलता है। मैं यहाँ पे हल्दी की मात्रा आपने देखा, मैं यहाँ पे 2 चुटकी ही हल्दी ली हूँ, तो आपको उतना ही हल्दी लेनी है। हल्दी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपको। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे दही। ये मेरे घर का बना हुआ दही है, ये फ्रेश दही है। इस तरह से दही आप 2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका दही थोड़ा सा पतला अगर है तो आप उसमें 1 चम्मच ही दही ऐड कीजिएगा। इसके बाद मैं ये ले रही हूँ हनी। ये ऑर्गेनिक हनी है, गांव में बेचने के लिए आता है तो बस हम लोग खरीद करके एक ही बार रख लेते हैं, तो वो आसानी से अच्छा ओरिजिनल हनी मिल जाता है हम लोगों को। तो इस आप लोग चाहें तो कोई भी हनी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, हनी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से देखिए, अब मैं बेसन और दही के मिश्रण को अच्छे से फेंट रही हूँ। आपको इस तरह से अच्छे से चम्मच फेंटना है। जब ये अच्छे से फेंटा जाएगा तो इसको थोड़ा देर के लिए, हमको 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि ये सब एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। तो इस तरह से देखिए, ये मेरा जो है बेसन फेंट करके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा जो है इसे, ये ठीक है, ज़्यादा ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। तो इस तरह ये मेरे फेस पे लगने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से देखिए, मैं पानी से अपने चेहरे को धो करके आ गई हूँ, क्योंकि आपको फेस वॉश नहीं करना है, सिर्फ चेहरे को धोना है। और इस तरह से बाल को पीछे कर लीजिए और एक क्लचर लेकर के इसको शिफ्ट कर दीजिए अच्छे से। इसके बाद ये देखिए पानी था थोड़ा सा, तो मैं इसको अच्छे से पोंछ ली हूँ। आप फेस को अच्छे से पोंछ लीजिएगा। अब मैं ये ले रही हूँ मिश्रण। आपको लगाने का तरीका मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आप सीधा लगा करके उसको रफ़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आपको सबसे पहले इसको चेहरे पर इस तरह से लगाना है और आपको अच्छे से मसाज करना है। इसको बहुत ही अच्छे से मसाज करना है आपको। 5 मिनट तक आपको मसाज करना है। 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट तो आप कर ही सकते हैं। 2 मिनट आप इसको अच्छे से पूरा हाथ से मसाज कीजिए, ताकि जहाँ जहाँ भी गंदगी बैठा हो, काला झाइया, दाग धब्बा जो भी हो, वो अच्छे से रिमूव हो जाए। आपको रिज़ल्ट एक बार में ही मिलेगा। आप लगा करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं खुद ही इसे 7 डे लगा करके इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपने फेस पे डायरेक्ट लगा रही हूँ, आपको रिज़ल्ट भी मैं बताऊँगी। आप वीडियो में बने रहें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आती रहूँगी आप लोगों के लिए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो उठा करके लेकर के आ जाऊँगी, मैं बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए, जो वीडियो वाकई अच्छा होगा, जिसका रिज़ल्ट होगा। नहीं तो ऐसे मैं खुद ही कोई भी वीडियो उठा करके नहीं डालूंगी यूट्यूब पे। इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहिए पूरे चेहरे को, पूरे आप आँख के आसपास भी इसको मसाज कर सकते हैं, पूरा नोज़ के साइड में। इस तरह से आपको करना है, आपको छोड़ना कहीं भी नहीं है। इसके बाद मसाज करने के बाद एक मोटा सा लेयर लेकर के अपने चेहरे पर पूरा इस तरह से फैला दीजिए। आप इस तरह से कहीं भी नहीं छूटना चाहिए, आप इस तरह से फैला दीजिए इसको। इस तरह से फैलाने के बाद फ्रेंड, आप सच में बिलीव नहीं करोगे, इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ऐसा नहीं है कि इसमें इसको सिर्फ फीमेल ही यूज़ कर सकती है, इसको मेल भी यूज़ कर सकते हैं, सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। वो भी इस तरह से देखिए, आपको सिर्फ फेस पे ही इसको नहीं लगाना है, इसको आपको गले के चारों तरफ इसको लगाना है, क्योंकि गले पर भी कभी कभी काले जो है घेरे वो पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा गले के ऊपर भी इसको अप्लाई करना है, इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ। अगर कोई करने वाला है पीछे से तो आप उसे भी करवा सकते हैं, लेकिन अपने आप खुद से भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, मैं हल्के हल्के हाथों से कर रही हूँ। यहाँ पे भी गले पे भी जो मैल जमा होगा वो भी अच्छे से निकल जाएगा, आपको पूरा रिमूव हो जाएगा। और
इस तरह से पूरा आपको लगा लेना है। इसको भी एक मोटा लेयर लेकर के जो भी है बचा हुआ उसको आप लगा सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा बना ली थी तो क्योंकि मैं मुझे पूरा लगाना है। मैं इसको अब हाथ पे भी आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो सिर्फ हाथ पे ही आपको करके दिखाते हैं, लेकिन मैं अपने फेस पे डायरेक्ट आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, अगर जो बच जाता है तो आप इस तरह से हाथ पे लगा सकते हैं। आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए ही है ये। आप हाथ पैर कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, गले पे भी कर सकते हैं, अंडर आर्म्स पे भी कर सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसको लगा रही हूँ। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करके मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा मुझे। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दी हूँ। 10 मिनट बाद देखिए ये ऐसा हो गया। मुझे पूरा सुखाना नहीं है इसको, इसको थोड़ा सा आधा ही सुखाना है मुझे। 50% सुखाना है, 50% ऐसे रखना है। इसको मुझे रफ नहीं करना है, बस चेहरे को धोना है। देखिए ये मैं चेहरा धो करके आप लोगों के सामने आ गई हूँ और आप खुद देख सकते हैं रिजल्ट। मैं खुद ही हैरान थी, मैं बहुत खुश थी ये देख करके, रिजल्ट देख करके। तो इस तरह से देखिए, अब इसको आपको डायरेक्ट पोंछना जो है, रगड़ रगड़ के नहीं पोंछना, इस तरह से आपको बस सुखाना है आपको टॉवल लेकर के इसको, चेहरे को इस तरह से देखिए ये सूख गया। फ्रेंड रिजल्ट इसका इतना अच्छा रिजल्ट था, मैं बस 2 दिन लगाई थी। मेरा चेहरा खुद ही आप देख लीजिए, आपके सामने में है। ये ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो को स्किप करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैं बिना स्किप किए दिखा रही हूँ। अब मैं इस पे ले रही हूँ रोज़ वाटर, चाहे तो कोई भी टोनर ले सकते हैं, लेकिन मैं ले रही हूँ यहाँ पे रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर जो है मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से देखिए, आपको हाथ से की मदद से जो है इसको अच्छे से सुखा लेना है। इसके बाद इस तरह से देखिए आप चेहरा पे, आप रिजल्ट खुद देखिए, इतना कमाल का रिजल्ट था। फ्रेंड आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं ले रही हूँ कोई भी अच्छा ब्रांड का आप मॉइस्चराइज़र, अगर आपके पास है तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ले रही हूँ निविया का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। निविया का भी ज़्यादा अच्छा होता। तो इस तरह से देखिए मैं ले करके, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं आपको लेना है, बस थोड़ा सा लेना है। इस तरह से आप ले करके और लगा लीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने चेहरे के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो फ्रेंड अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आती रहूँगी, तब तक के लिए बाय।